हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक ब्लॉग बनाऊं और कोई स्पेशल प्लेस की खोज थी। आज एक स्पेशल प्लेस के पास से गुज़र हुआ तो सोचा ना क्यों ना इसका ब्लॉग बना लिया जाए और आपको इस ब्यूटीफुल और पुरानी जगह का नज़ारा दिखाया जाए। चलिए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखिए हमारी सड़ियल बाइक, इसी से वीडियो बना ली। दोस्तों, हम लोग जिस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी वीडियो के शुरू में दिए हैं, पर पूरी जानकारी वहां जाएंगे फिर आपको देंगे। हम अभी चल रहे हैं तो गांव का मज़ा ही कुछ अलग है। नदी से होकर गुजरना और उसमें बांस का चाँच और इस तरह का ब्रिज जो बॉम्बो से बना हुआ है, एक अलग ही मज़ा देता है। फिर खेत खलिहान और इससे गुज़रना एक अलग ही फीलिंग देती है। हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो चलिए देखते हैं पानी से गुज़रकर क्या ही नज़ारा था। और बहुत ही बेहतरीन जगह है, आप घूम सकते हैं। ये जगह उत्तर दिनाजपुर में अहमदाबाद के करीब पड़ता है। तो चलिए इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, गांव-गांव घूमेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसी तरह आगे बढ़ रहे थे, हरी भरी खेतों से, गांव की पगडंडियों से, छोटे छोटे रास्तों से, फिर बीच में गन्ने का खेत, चरती गायें, हरा भरा ये फसल, ये सारी चीज़ें देखकर दिल खुश हो रहा था कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर लोग एग्रीकल्चर को, खेती को इतना मानते हैं। फिर हमारा मंजिल करीब आते जा रहा था, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी क्योंकि ये जगह घूमने के लिए काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे पर जा नहीं पा रहे थे। तो चलिए साथ मिलकर इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, वो जगह आ चुके हैं। अब सही से देखें, इसकी पूरी जानकारी हम कुछ लोगों से पूछेंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे, फिर इस जगह के बारे में आपको कुछ बतलाएं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ घूमने आए थे, कुछ लोग मिल गए हैं जो लोग यहाँ पर विज़िट करने आए इस जगह को। ये जगह, इसी से पता चलता है कि ये जगह कितना शानदार है। ये जगह बहुत लोग घूमने आते हैं और बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए फ्रेंड्स के साथ। कुछ लोग घूमने आए थे, कुछ सर हैं हमारे जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो लोग हमसे बात करना चाहते थे, तो हम लोग उनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले सर से स्टार्ट करेंगे। नहीं, बंगाली में भी बोल सकते हैं, बंगाली भी एक लैंग्वेज है। यही तो हमारी हिंदी की खूबसूरती है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और उसमें हम लोग बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो बंगाली में बोलेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो सर से स्टार्ट करेंगे। तो सर बताइए, आपको कैसा लगा ये जगह? बढ़िया लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है जगह। मैं भी पहली बार आया हूँ, मैं भी रायगंज का हूँ, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है। और सब भाई लोग, मेरे भैया लोग सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। मैं भी पहले यूट्यूब में काम करता था, तक छोड़ दिया। बस ये काम कर, बहुत बढ़िया सर ने और भाई, बिल्कुल भाई का बहुत अच्छा लगा। तो सर ने बताया कि ये जगह बहुत ही बेहतरीन जगह है, पर अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो इस तरह आ सकते हैं। रोड है और इसका एड्रेस मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इस जगह को। और सर लोग भी बैठे हुए हैं। सर लोग, सर आप लोगों को कैसा लगा ये, मतलब कैसी जगह है, आप बताएं बैठने के लिए? अच्छा, कैसे है? भालो लगे थे। अपना रावा आसबेन समय काली मंदिर बिंदोल भैरव काली मंदिर बिंदोल जाएगा टन नाम। इस जगह का नाम है भैरव काली मंदिर और बिंदोल जगह का नाम है। आप लोग आइए, विजिट कीजिए, बैठिए। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारे चेयर्स लगाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग इधर भी घुमाएंगे आप लोगों को, चेयर वगैरह लगा हुआ है, आप आराम से आकर बैठिए, इंजॉय कीजिए। सर आपको कैसा लगा बताइए? बहुत ही अच्छा है। रायगंज से थोड़ा दूर आने से ये मिल जाएगा। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत सुंदर है। बहुत पुरानी मंदिर है और लगभग 300 साल सर बता रहे हैं, लगभग 300 साल से भी पुरानी मंदिर है।
यहाँ पे आदमी सब आते हैं घूमने के लिए, घूमते हैं, ठीक है, बहुत ही धार्मिक प्लेस है, आके आप घूम सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धार्मिक प्लेस है भाई साहब बता रहे थे, और यहाँ पर आकर घूमिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बिल्कुल आइए सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सर, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, और बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई साहब बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में रह चुके हैं तो पता है कि यूट्यूब में मेन चीज़ क्या है। तो मेन चीज़ तो ये नहीं है, मेन चीज़ कंटेंट दिखाना है आप लोगों को, जगह दिखाना है, लेकिन सब्सक्राइब ये हम लोगों का एक बेनिफिट है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे कंटेंट को देखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आप लोगों से मिलेंगे और जगह को दिखाएंगे, तो चलिए इस जगह को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पब्लिक से सुना, उनका रिव्यू सुना, तो आप भी इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए। चलिए देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, आपके साथ आज का सफ़र यहीं तक का था। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और हमारा चैनल देखते रहें।